कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में सभी नेताओं द्वारा करवाई जा रही है। उसी क्रम में जिला शिमला में हम इसको संबोधित कर रहे हैं और हमारे साथ श्री नरेश चौहान जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, श्री एस एम मेहता जी, श्री देवेंद्र जी और श्री अतुल शर्मा जी और सभी आम जन बंधु जो आज यहाँ पे उपस्थित है। आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव का बहुत कम समय प्रदेश के अंदर रह गया है और लगातार जो है सरकार द्वारा जिस तरीके की कार्यप्रणाली प्रदेश के अंदर अपनाई जा रही है, कैबिनेट की बैठकों का दौर चला हुआ है, हर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद कैबिनेट मीटिंग बुलाई जा रही है और उनमें धनाधन विदाउट एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, विदाउट नेसेसरी अप्रूवल्स जो है वो कैबिनेट के फैसले करवाए जा रहे हैं। ये केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आजकल पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, अमृत महोत्सव आजादी के 75 वर्ष के संदर्भ में जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं। पहली बात और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जिन लोगों का आजादी में और आजादी के संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा, आज वो कांग्रेस पार्टी को जो है वो आजादी के बारे में नॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली ना इसमें स्वतंत्रता सेनानियों की कोई बात होती है, ना इसमें हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत परमार जी की कोई बात होती है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने का बेड़ा उठाया, हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य बनाया, और ना ही भाजपा के भी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे शांता कुमार जी है, प्रेम कुमार धूमल जी है, सबसे लंबे समय तक जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह जी, किसी का भी जिक्र जो है वो इन कार्यक्रमों में नहीं होता। ये सरकारी कार्यक्रम है जिसके लिए आपको जानकर हैरानी भी होगी और ये भी प्रकट होगा कि टैक्स पेयर्स का और एक्सटेकर का करीबन 50 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए प्रदेश के अंदर एलोकेट किया गया। कुछ इनकी चुनिंदा कंपनीज है जिनको ये ठेका दिया गया है, 25-25 लाख रुपए के जो है केवल तंबू इस इन कार्यक्रमों में लगाए जाते हैं, वाटर प्रूफ टेंटिंग करवाई जाती है, कुर्सियां लगाई जाती हैं, मालाएं, धाम, एलसीडी स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन, सोफास, ये सब चीजें सरकारी खर्चे के ऊपर हो रही है। और सबसे दुखद बात है कि वहां पे जो भाजपा के हारे हुए, नकारे हुए, जनता द्वारा जो ठुकराए हुए लोग हैं उनको मंचों के ऊपर बिठवाया जाता है और जो जीते हुए कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में ये कार्यक्रम होते हैं जहां पे कांग्रेस के विधायक हैं, उनको ना इसके बारे में कोई सूचित किया जाता है, ना आमंत्रित किया जाता है और फिर कहते हैं कि हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केवल सरकारी खर्चे के ऊपर अमृत महोत्सव के नाम पर जो है वो भाजपा की चुनावी रैलियां हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है, जिसमें एक एक कार्यक्रम जो हर निर्वाचन क्षेत्र में होता है करीबन 200 से 250 बसें पूरे के पूरे निर्वाचन क्षेत्र के जो रूट्स हैं उनको कैंसिल कर हमने जब हमारे निर्वाचन क्षेत्र में ये प्रोग्राम हुआ था, हमने आरटीओ से बात करी, आपके जो आरएम से बात करी, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमको बताया कि जितने अलग अलग रूट्स की बसेस है, क्योंकि हमको बहुत से लोगों के फोन आए उस दिन कि हमारी शिमला आने आने की हमको बहुत समस्या हो रही है, हमारे सारे रूट्स बंद कर दिए गए हैं। जब हमने अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमको सरकार का डंडा है, मुख्यमंत्री का डंडा है, प्रशासन का डंडा है कि सारी की सारी बसों जो है वो इस कार्यक्रम के लिए लगाई जा रही है।
फिर कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में है, ये तानाशाह नहीं है तो और क्या है। इस तरीके से जो कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे जो भीड़ जुटाई जा रही है, अगर मुख्यमंत्री जी इस गलत फहमी में है कि वो भीड़ जो ये जबरन वहां पे लाभार्थियों की जुटा रहे, अगर वो इस गलत फहमी में है कि ये भीड़ उनके मतदाताओं में कन्वर्ट होगी, वोटरों में कन्वर्ट होगी, तो उनसे बड़ी मुंगेरी लाल का हसीन सपना हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं देखता। उनको याद करना चाहिए कि 4-6 महीने पहले ही प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन हुए और उसमें भी उन्होंने क्षेत्रवाद का नारा हिमाचल प्रदेश के अंदर दिया। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज ट्राइंग टू डिवाइड पीपल ऑन लाइन्स ऑफ कास्टिज्म, ऑन लाइन्स ऑफ रीजनलिज्म, ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। इस तरीके की हरकतें आज तक हिमाचल प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं करी। हम साधुवाद देते हैं प्रेम कुमार धूमल जी को, हम साधुवाद देते हैं शांता कुमार जी को, जो निचले हिमाचल से होते हुए भी उन्होंने हिमाचल प्रदेश को हमेशा एक तरीके से करने का, आगे ले जाने का प्रयास किया है। मगर आज एक ऐसी मानसिकता की सरकार है जिनको धर्मपुर से आगे, सिराज से आगे कुछ नजर ही नहीं आता है। और दुख इस बात का है कि जब उनके इलाके में, मंडी में कोई दुर्घटनाएं घटती हैं, तो सरकार माल रोड के ऊपर चाहे उसके आगे ली होती है। इट इज कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड मंडी एमपी श्रीमती प्रतिमा सिंह हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट द अफेक्टेड फैमिलीज, चाहे वो नाचन के अंदर है, चाहे वो सुनाब में जो वहां पे दुर्घटना हुई, वहां पे हम खुद उनसे, लोगों से मिलने के लिए गए। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, मगर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये नारा दिया था कि मंडी मेरी है और मेरी रहेगी, हमने ये कहा था कि मंडी किसी की नहीं है, मंडी केवल मंडी के लोगों की है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की है और हिमाचल प्रदेश की 68 लाख जनता के और 70 लाख लोगों की जनता की। दिस इज वॉट वी स्ट्राइव फॉर, ये हमको हमारे संस्कार, हमारे देश के नेताओं ने दिए, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिए, राजीव गांधी ने दिए, लाला वीर भद्र सिंह जी ने दिए, और इसी सोच पे हम हिमाचल प्रदेश में आगे चलते रहेंगे। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी सभाओं में जाकर ये कहते हैं कि कांग्रेस की अपनी कोई गारंटी नहीं, उनको अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपनी सरकार की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि अब उनका ज्यादा समय हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं रह गया। जैसे उन्होंने पिछली बारी नारा दिया मंडी मेरी है मेरी रहेगी, उसका अंजाम आज प्रदेश के लोगों के सामने है। वैसे ही जो रिवाज बदलने का ये नारा दिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के, हम ओपन चैलेंज देते हैं आप लोगों के माध्यम से कि 5 ऐसे वर्ग हमको बता दें हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो बागवान है, चाहे वो किसान है, जो इस सरकार से खुश है। आपने खुद देख लिया कि हमारे बागवानों के क्या हाल है, हमारे जो एप्पल प्रोड्यूसिंग एरियाज के खास करके जो बागवान है, जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल प्रदेश सचिवालय का घेराव किया, इट वॉज नॉट ए पोलिटिकल रैली, इट वॉज नॉट ए पोलिटिकल मूवमेंट, इट वॉज अ वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द अग्रीव हॉर्टिकल्चरलिस्ट ऑफ दैट एरिया, जो वहां पर आए, उन्होंने अपना दुख प्रकट किया। आपने पिछले कल एक अखबार में देखा किस तरीके से जो 50 रुपए यहाँ पे आप सेब खरीदा जा रहा है, 350 रुपए 400 रुपए प्रति किलो जो है वो दिल्ली के अंदर बेचा जा रहा है, और सरकार मौन है, मुख्यमंत्री मौन है, उनको अपनी रैलियों से फुर्सत नहीं। आज वो बागवानों की आवाज को नहीं सुन रहे, आज वो किसानों की आवाज को नहीं सुन रहे, कर्मचारियों की आवाज को नहीं सुन रहे। हमने तो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है, जो हमारे चीफ ऑब्जर्वर है, और सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, नेता प्रतिपक्ष ने, हमारे टिकट, हमारे जो टिकट आवंटन कमेटी के सदस्य है, सब ने मिलकर ये बात कही है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू करेंगे, ये हमारा वादा है। और पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने तो विधानसभा के अंदर भी पूरी फूक बजा के ये बात करी है, इन द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑफ द न्यू कांग्रेस गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करवाई जाएगी और इसके लिए हम वचनबद्ध। दूसरा जो हमने युवाओं के लिए खास रूप से बात करी, जो हमने गारंटी की बात करी है कि हम
680 करोड़ रुपए का पैकेज प्रदेश के युवाओं के लिए देंगे, जिसमें पर्टिकुलरली इन एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 10 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन का युवाओं को दिया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। जिनके रिक्विजिट कागज पूरे होंगे उनको 1-1 लाख रुपए का ऋण जो है वो बिना इंटरेस्ट का प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमने लिया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि महंगाई आज चरम सीमा के ऊपर है और एलपीजी सिलेंडर की हर जगह पे बात होती है, महंगाई की हर जगह पे बात होती है, कड़वे तेल की बात होती है। महिलाओं को निजात दिलाने के लिए एक मॉन्यूमेंटल डिसीजन कांग्रेस पार्टी ने लिया है और एक बजट एलोकेशन जो है वो हमने किया है और हम जब हमारी सरकार बनेगी 1500 रुपए 60 साल से आपके 80 साल के बीच 18 से 60 साल के बीच में सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह का पेंशन हमने देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जो हमारी आवारा पशु आज आप देख रहे हैं हर गांव गांव में, एक और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम गौ रक्षक, मगर आज आप हिमाचल के किसी भी कोने में चले जाएं, कभी हम रामपुर के दौरे पे जाते हैं, कभी कुल्लू के दौरे पे जाते हैं, खास करके रात के समय में हर मोड़ पर आवारा पशु हमको देखने को मिलते हैं। हमने ये कहते हैं, हमने हर जगह पे जो है वो गौ सदन बनाए हैं, मगर आज भी सड़कों के ऊपर जो आवारा पशु है उनसे निपटने के लिए, उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करवाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी ने कि हम जो है गोबर को जो है वो दो रुपए प्रति किलो सरकार उसे जो है वो उसे वो करेगी, परचेज करेगी, खरीदेगी। और ये मॉडल एक सक्सेस मॉडल जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। आज बहुत से भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को उससे तकलीफ हो रही है, मगर वहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर पूरा मॉडल जो है वो इससे तब्दील हो गया है, इससे एक नई रेवोल्यूशन जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आई है और हिमाचल में भी इसको आने वाले समय में इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि जितने भी आवारा पशु हमारे कई भाग छोड़े हुए हैं एक इंसेंटिव लोगों को हो कि वो उनको वापस अपने घर पे लेकर आए, ताकि उनकी रखवाली जो है वो समय रहते हुए हो सके। और जो अपने को ये गौ रक्षक बनते हैं, जो कहते कुछ है करते कुछ है, उनको हम सिखाएंगे कि असली में गौ की रक्षा कैसे जो है वो प्रदेश और देश के अंदर करवाई जा सकती है। इसके अलावा हमने ओपीएस की बात कही, हमने बागवानों किसानों की बात कही। बागवानों के लिए भी हमने ये कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जिसमें जो भी प्राइसेस आपके सेब के या और आपके फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो खुद बागवान और किसान उस चीज को तय करेंगे, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। निश्चित तौर से जो कानून है वो तो विधानसभा के अंदर पारित होना है, मगर स्टैंडिंग कमेटी में आने से पहले इसमें एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जितने भी हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं, हमारे किसान हैं, बागवान हैं, उनकी एसोसिएशंस को उसमें ऑन बोर्ड लिया जाएगा। And only after due deliberations, discussions with these horticulturalists and agriculturalists, उसके बाद पे ही हम इसके ऊपर भी जो है आने वाले समय में निर्णय लेंगे। तो ये सब चीजें आज जो है वो हमारे सामने है। जयराम जी और सरकार चाहे कितनी मर्जी ये बातें करते रहे कि कांग्रेस के पास अपनी कोई गारंटी नहीं है, या महंगाई के ऊपर कोई बात करते रहे, या और कोई टिका टिप्पणी करते रहे, मगर प्रदेश की जनता ने यह मन बना लिया है कि इस बारी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। और हमने जो भी 10 गारंटियां हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी है, ये कोई जुमला नहीं, इसके ऊपर सीरियस डिलिब्रेशंस हमारे नेताओं ने, जो हमारे प्रदेश में पूर्व में फाइनेंस में अधिकारी रहे हैं, प्लानिंग कमीशन में हमारे अधिकारी रहे हैं, उनके साथ बैठकर जो है विचार विमर्श करने के बाद इन चीजों को आगे लेकर आए हैं। हम जानते हैं बीइंग अ रिस्पांसिबल ऑपोजिशन, वी अंडरस्टैंड दैट द स्टेट एज ऑफ टुडे इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज फाइनेंशियली। हमारे ऊपर करीबन जो है 65,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर है, इसलिए हम भी कोई ऐसी घोषणाएं नहीं करना चाहते
जो कल को जिसपे और बॉर्डर हिमाचल प्रदेश के ऊपर बने, मगर ये जो 10 पैरिटियां हमने दी है, जैसा मैंने कहा कि इनकी हर डिटेल में स्टडी करने के बाद ही हम इन चीजों को लोगों के बीच में लेकर आए हैं एंड वी स्टैंड कमिटेड टू इम्प्लीमेंट देम जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले समय में बने। आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप ये जो मंडी वाली बात कर रहे हैं, मंडी हमारी है, क्या क्षेत्रवाद उसको आप क्षेत्रवाद का नारा है मुख्यमंत्री? क्षेत्रवाद का नहीं, तो और किस चीज का है? हमको तो ये कहना चाहिए कि हिमाचल हमारा है और हम सभी हिमाचल के एक इलाके को आइडेंटिफाई करना, एक इलाके के साथ ही विकास की रूपरेखा को बांधना, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति को ये बात शोभा नहीं है। जब हट जाएंगे 3-4 महीने बाद, उसके बाद जो मर्जी बोलते रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर जब तक वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं उन्हें उस कुर्सी की गरिमा को बनाए रखना। मुख्यमंत्री बीजेपी कह रही है कि दो जो MLA हैं वो हमारे पास आ गए हैं कांग्रेस के, और भी जो नेता हैं कांग्रेस के वो उनके संपर्क में है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, जो भाजपा में दो MLA गए, उनकी जो पृष्ठभूमि है वो भारतीय जनता पार्टी की रही और वो वापस अपने परिवार में वापस गए। क्या हाल इन दो निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर हुआ है वो भी आप लोगों के सामने है। जिस तरीके का एक रिवोल्ट, एक विद्रोह जो है भाजपा के अंदर इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में, नालागढ़ में और कांगड़ा में, पिछले दिनों में आप लोगों को देखने को मिला है, वो इस चीज को दर्शाता है कि दल बदलुओं की आज के जमाने में कोई भी विश्वसनीयता ना अपनी पार्टी में है, ना दूसरी पार्टी में है, ना लोगों में। इसलिए वो जिसको भी लाना चाहते हैं ला सकते हैं, वो स्वतंत्र है, मगर प्रदेश की जनता ने ये विश्वास, ये मन बना लिया है कि जिसके पास भी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा, हाथ होगा, केवल वोट उसी व्यक्ति को पड़ेगा और व्यक्ति विशेष को नहीं मगर पार्टी को जो है वोट देते हुए हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और जिस वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के बारे में हम कहते आए हैं, उस वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। इसके लिए हम सब जो है वो वचनबद्ध हैं। भाजपा ये कह रही है तो ग्लोबल गारंटियां हैं सारी और आपकी ग्लोबल खरीद की सरकार करेगी, ये आगे बेचा जाता है, ये इसका यूज अलग अलग तरीकों से होता है। आज तो अमेजोन के ऊपर भी आप देखेंगे वहां पर भी गोबर बिक रहा है, तो ये ई रिटेल में भी यूज हो रहा है, हर चीज में हो रहा है, इसके अलग अलग मेडिसिनल यूजेस है, घर पे ये यूज होता है। ये हमको भाजपा का जवाबदेही करने की आवश्यकता नहीं, हम इसको खरीदेंगे भी, इसका पूरा एक मॉडल बनाएंगे और इसको जो है आपका जहाँ 2 रुपए में खरीदा जाता है, 2 रुपए में खरीदेंगे, वहाँ करीबन इसको 12-13 रुपए में आगे इसको बेचा भी जाएगा। पिछले कल ये सूचना जारी हुई कि राज्य सरकार अपने 2,500 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे ही एक साथी ने एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री जब विशेषज्ञ पॉलिटिकल पंडित इस सरकार की आने वाले समय में विश्लेषणा करेंगे, इस सरकार का जो है वो को देखेंगे, इसको जो नाम दिया जाएगा वो सबसे खर्चीला मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी को बताया जाएगा। आउट ऑफ द टोटल 65,000 करोड़ दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल बॉडीज, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, चाहे RBI है, अलग अलग बैंक से जो लिया गया है, उसमें से 45,000 करोड़ तो का श्रेय लेने का, जो श्रेय अगर किसी को जाता है वो तो वो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को जाता है। इन्होंने जो हवाई खर्चे करे हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर, हेलीकॉप्टर गाड़ियों के ऊपर, 1,000 तो इन्होंने गाड़ियां पिछले 5 साल के कार्यकाल में अपने चेयरमैन के लिए, अपने दोस्तों के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर दी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका पूरा जवाबदेही आने वाले समय में इनको करनी पड़ेगी और जनता इनसे ये सवाल जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर पूछ रही है। सर, महंगाई को लेकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही महंगाई के बारे में बात कर रही है, आम जनता क्यों सड़कों पे नहीं उतर रही है? उतरते तो वही पार्टी उतरती है, जब हम उतरते हैं तो उनके साथ लोग भी उतरते हैं। सर, आम जनता आपका कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी को महंगाई चुभ नहीं रही है? महंगाई सबको चुभ रही है, पूरी चुभ रही है,
आपको भी जब आप भी महिला है घर में जब आप भी गैस का सिलेंडर जलाती हैं तो 1200 रुपए का सिलेंडर जब 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 देना पड़ता है तो पता चलता है कि 900 रुपए का पहले बैटर था, फिर सब्सिडी या 400 रुपए का उसके पहले बैटर था।